हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हो कि जब भी बुद्धिमानी और चतुराई की बात होती है तो बीरबल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसका नाम है बादशाह अकबर का सपना। तो चलिए बच्चों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों के दिन थे और बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ सुबह सुबह सैर पर निकले थे। बच्चों, आप भी मॉर्निंग वॉक पर जाते हो ना? ऐसे ही बादशाह अकबर भी मॉर्निंग वॉक पर आए थे तो उन्होंने देखा कि एक नदी में कुछ लोग नहा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी भी डाल रहे थे। उनकी शरारतों को देखकर बादशाह अकबर को भी एक शरारत सूझी। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि कल रात मुझे एक बड़ा ही अच्छा सपना आया। तो बीरबल ने पूछा, बताइए महाराज कि आपको क्या सपना आया था? तो बादशाह अकबर ने कहा, मुझे सपना आया कि मैं शहद से भरे एक बड़े से बर्तन में गिर गया हूं और तुम कीचड़ से भरे एक बर्तन में गिर गए हो। परंतु इतने में ही सुबह हो गई और मेरा सपना अधूरा ही रह गया। परंतु बीरबल तो बहुत ही होशियार थे। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा कि अरे महाराज, ये तो कमाल हो गया, इसके आगे का सपना मुझे आया था। तो बादशाह अकबर ने पूछा कि आगे फिर सपने में क्या हुआ? तो बीरबल ने कहा कि महाराज, मैंने सपने में आगे देखा कि जब आप शहद में गिर गए थे और मैं कीचड़ में गिर गया था तो आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। सुनकर बादशाह अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बीरबल से कहा कि चलो, अब अपना सपना पूरा हो गया, तो अब हम दोनों चलकर नदी में नहा लेते हैं जिससे कि हमारी बाकी की गंदगी साफ हो जाएगी। तो बच्चों, बीरबल ऐसे ही हर बार अपनी चतुराई से बादशाह अकबर का दिल जीत लेते थे और इसी कारण बाकी के सभी दरबारी बीरबल से जलते तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।